सद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है पूरा अपराध बढ़ा है, हत्याएं बढ़ रही हैं, मॉब लिंचिंग बढ़ रहा है, कमरधा की घटना के बाद बलौदा बाजार की घटना, बलौदा बाजार के बाद सूरजपुर की घटना, और इन घटनाओं के बारे में पुलिस जिस तरह से मौन है वो सबसे बहुत दुखद बात है। सरकार को एक साल नहीं हुए हैं, सरकार को लॉ एंड ऑर्डर संभालना चाहिए, उनसे संभल नहीं रहा है। किसी भी बात को किस व्यक्ति से कहें, कौन मंत्री सुनेगा, मंत्री के स्तर पर अलग अलग गुट बने हुए हैं, कहीं ओपी जी का ग्रुप है तो कहीं शर्मा जी का ग्रुप है, कहीं साहू जी का ग्रुप है, कहीं मुख्यमंत्री जी का ग्रुप है, और इस तरह से ग्रुप में बटे हुए लोगों के पास किसी भी घटना का कोई निदान नहीं है। महिलाओं के साथ जो आप बलात्कार की बात कर रहे हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में भी छपा है कि छत्तीसगढ़ अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से कुछ भी व्यक्त करते हैं, और जबकि आए दिन आपके द्वारा, आपके साथियों के द्वारा लगातार बच्चियों के साथ, बड़ों के साथ हत्या, बलात्कार, मॉब लिंचिंग, चैन खींचने सब की बात हो रही है, तो आज जो सरकार है पूरी तरीके से विफल है, और हम कह नहीं सकते कि उनको एक साल के अंदर इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको खुद सोचना चाहिए कि प्रदेश शांति का प्रदेश रहा है, नक्सली होने के बावजूद भी हम लोगों ने शांति की स्थापना की है, उसके बाद भी आज हम लोग शांति स्थापित नहीं कर